एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। संक्रामक बीमारी मंकी पॉक्स को लेकर जिले का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, दूसरे राज्यों से आने वालों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। दुर्ग रेलवे स्टेशन में चेक कर भेजा जा रहा घर। और रिसाली निगम के भाजपा पार्षदों ने निगम परिषद में किया धरना प्रदर्शन। राजीव युवा मितान क्लब के जरिए कांग्रेस जनों को लाभ पहुंचाने का लगाया आरोप। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की कही बातें। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के प्रकोप का सामना करने के बाद अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक और नई संक्रमण बीमारी मंकी पॉक्स का डर सता रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोरोना महामारी के बाद अब एक और नई संक्रामक बीमारी का डर दुनिया को डरा रहा है। वहीं इस बीमारी को मंकी पॉक्स का नाम दिया गया है। ये बीमारी दुनिया के कई देशों में आतंक फैलाने के बाद अब भारत में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि बाहर से आने वाले लोगों का विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही दिल्ली से आने वाली गाड़ी में जो यात्री आ रहे हैं उन्हें दुर्ग रेलवे स्टेशन में चेक कर घर भेजा जा रहा है। कोई भी लक्षण देखने से उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। वहीं स्किन की बीमारी वाले मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस रहेगा। मंकी पॉक्स के प्रारंभिक लक्षणों में बुखार के साथ सिरदर्द, कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं। यह एक प्रकार का वायरस है जो बीमारी वाली व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है। इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के चेहरे, हथेलियों व पैरों के तलवे में चकते नजर आते हैं, जिनका असर 2 से 4 सप्ताह तक रह सकता है। इस संबंध में मीडिया के समक्ष जिला स्वास्थ्य अधिकारी जेपी मेश्राम ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मंकी पॉक्स संभावित प्रकरणों के लिए राज्य शासन से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। मंकी पॉक्स जो है वो सामान्यतः मध्य पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाया गया है अभी, और अभी वहाँ पे जो प्रकरण पाए गए हैं उसको देखते हुए हम भारत में अभी तक 4 जून 2022 से अभी तक कोई भी हमारे पास रिपोर्ट ऐसी प्राप्त नहीं हुई जिसमें यहाँ पर पॉजिटिव दिखता हो। छत्तीसगढ़ में भी कोई भी ऐसी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव दिखी नहीं है। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में भी अभी हमें कोई पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं दिखी है। लेकिन हम मंकी पॉक्स प्रभावित क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आ रहा है उसके लिए हम एयरपोर्ट पे सर्विलेंस करने के निर्देश हमें प्राप्त हुई है, जिसके लिए वहाँ पे एयरपोर्ट में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है और उनकी की गई है जो ऐसे देशों से 21 दिनों के भीतर में जो लोग आए हैं यहाँ देश में उन लोग के लिए ये व्यवस्था की गई है। हमने इसके लिए इसके सामान्य जो लक्षण हैं वो लक्षण जो हैं वो सामान्य बुखार और चकते और लिम्फ नोड जो हैं उन पर सूजन आना, ये इसके लक्षण हैं। लेकिन यह एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ भी है जो स्वतः ही ठीक हो जाती है, 2-4 सप्ताह में अपने आप ही इसके लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं। हम ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं जो बाहर के देशों से, जो ऐसे संभावित देश हैं उन देशों से आ रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग के लिए हमने टीम एयरपोर्ट पे लगा के रखी। सर, बचाव के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? बचाव के लिए हमारे पास ये प्रयास है कि हमें अगर ऐसे केस मिल जाएंगे तो हम उनको तुरंत ट्रीटमेंट भर्ती करके ट्रीटमेंट करेंगे, और जो भी इसका संक्रमण अगर अगल बगल में लगेगा तो उसके लिए हम उनकी भी व्यवस्था हमारे पास है। मंकी पॉक्स वायरस जो है उसका संक्रमण पशु से मनुष्य में और मनुष्य से मनुष्य में फैल सकता है, इसलिए हम इसको इसके जो संक्रमण है वो लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो होते हैं उससे फैलते हैं, तो इसके निकट में जो भी जिस व्यक्ति को संक्रमण होगा उसके पास में जो भी व्यक्ति रहेगा उसको भी संक्रमण फैलेगा, तो हम इसके लिए फिर उन व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती करेंगे, बाकी लोग जो हैं उनका हम सर्वे करवाएंगे, इसकी व्यवस्था हमारे पास है। विगत 2 वर्षों से कोरोना का दंश झेलने के बाद अब यह नई बीमारी लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। देखना होगा कि इस बीमारी को लेकर प्रदेश सरकार किस तरह का रुख अपनाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 2 सूत्रीय मांग को लेकर 5 दिवसीय कलम बंद, काम बंद हड़ताल पर बैठे अधिकारी व कर्मचारियों को तीसरे दिन अब हरेली पर्व का है इंतजार।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से इस पर्व पर तोहफा पाने की है उम्मीद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले सभी अपने मौलिक अधिकार के हनन किए जाने को लेकर अपने तीसरे चरण में 5 दिवसीय कलमबंद काम का आह्वान के साथ दुर्ग के संभाग आयुक्त के कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे अधिकारियों कर्मचारियों को आज तीसरे दिन हरेली पर्व का इंतजार है। फेडरेशन के जिला संयोजक विजय लहरे ने बताया कि अब तक अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के लोगों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा जताते हुए हरेली पर्व के दिन हम सभी की मनचाही इच्छाओं को मानकर हमें हरेली पर्व का तोहफा मिलेगा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा DA और HRA जैसे अपने मौलिक अधिकार का हनन किए जाने के विरोध में दुर्ग जिला के कर्मचारी अधिकारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक कलमबंद कामबंद हड़ताल पर हैं, जिससे पूरे प्रदेश में कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इसी कड़ी में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। आज पूरे हमारे जिले के सभी कार्यालय के साथी दफ्तर बंद करके व्यापक रूप से यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 2 से 2500 के बीच में हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी नगर पालिका के हमारे और भी साथी रैली के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। पूरे कामकाज प्रभावित है, हमारे तहसील कार्यालय से लेकर रजिस्ट्री कार्यालय बंद है, कलेक्ट्रेट कार्यालय बंद है। कुल मिलाकर के पूरे 78 संगठन के पूरे पदाधिकारी अपनी टीम के साथ यहाँ पर एकत्रित है। अभी रैली के रूप में हमारे साथी हमको क्या लगता है इसका असर कुछ सरकार को जाएगा? हम अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर 5 दिन का ये हमारा आंदोलन है। आज हमारा पहला दिन है, हमें बहुत उम्मीद है। कल हरेली का त्यौहार है, छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों की ध्यान में रखकर कल उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी हो जाएगी। ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, पूरे स्कूल पूरे जितने भी संस्थाएं उसमें काम ठप पड़ा है। और आज तीसरा दिन है, लगातार हम लोग आंदोलन में बैठे हैं। हमारा शारीरिक शिक्षा संघ ग्रुप जिला के पूरे व्यायाम शिक्षक इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 25 से लेकर 29 जुलाई तक 5 दिवसीय जो 5 दिवसीय धरना आंदोलन है उसमें हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे दिए तिथि से 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतन मांग की हम लोग मांग कर रहे हैं। इसमें लगभग 70 से 80 संगठनों ने इसको समर्थन कर रहे हैं। 2 सूत्री मांग को लेकर अधिकारियों व कर्मचारियों ने कलमबंद काम बंद कर प्रदर्शन कर अपनी आवाज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाई और साथ में भरोसा जताया कि आगामी हरेली पर्व के दिन मुख्यमंत्री की तरफ से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पर्व का तोहफे के रूप में हमारी मांगे सुनी जाएंगी और पूरी की जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या मुख्यमंत्री इनकी मांगों को पूरा करते हैं, क्या हरेली पर्व पर इन्हें मनचाहा तोहफा देकर इनकी मांगे पूरी करते हैं या नहीं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वही नगर निगम रिसाली के भाजपा पार्षदों ने निगम परिसर में धरना प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षदों ने कहा कि निगम में शासन के मापदंडों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कांग्रेस का पदाधिकारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। नगर पालिक निगम रिसाली के परिसर में धरना प्रदर्शन करते ये हैं भाजपा के 12 वार्डों के पार्षद। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन की योजना के अंतर्गत नगर पालिक निगम रिसाली के द्वारा राजीव युवा मितान क्लब के लिए 40 वार्डों के लिए सूची जारी की गई थी, जिसमें शासन के मापदंडों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कांग्रेस के पदाधिकारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से समिति में कांग्रेस के पदाधिकारियों का ही चयन किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। धरना प्रदर्शन की जानकारी भाजपा पार्षद धर्मेंद्र भगत ने दी। आज हम लोग 12 वार्ड के पार्षद हैं हम लोग, और हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि निगम के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिस आदेश में ये लिखा हुआ है राज्य की एक योजना है, राजीव युवा मितान क्लब योजना। इस योजना के तहत खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वार्ड से एक समिति बनानी थी, जिस समिति का सभी ओपन था, वो सभी को जमा करना था। तो इसमें जो जितने भी वार्डवासी थे वो तो पार्षदों के द्वारा वो जमा किया गया था। तो सभी खेल से जितने जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों ने अपने अपने वार्ड से लोगों का लाके जमा किया था। मगर यहाँ ऐसा है कि 12 वार्ड से हमने जमा किया, मगर जमा करने के बाद इस राजीव युवा मितान क्लब के नाम को हटाकर इन्होंने कांग्रेस क्लब कर दिया है, क्योंकि इसमें से जितने भी खेल वाले जितने भी व्यक्ति थे उन सबको हटा दिया गया है। और कांग्रेस के पार्षद पति वो भी हैं, NHAI के अध्यक्ष हैं, यहाँ तक दूसरे वार्डों में अपने भतीजियों अपने बच्चों का नाम देकर इन्होंने
टोटल उनका नाम दिया हुआ है। इसमें एक भी किसी भी भाजपा के दिए हुए जितने भी 12 पार्षद हैं, हमने अपने वार्डों से जिनका भी नाम दिया है उनमें किसी भी समिति को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है। सारी समितियों को उन्होंने आउट कर दिया है। जो ये शासन की योजना है और इस शासन की योजना में इन्होंने आदेश जारी किया है कार्यालय नगर पालिक निगम वैशाली के द्वारा, जिसमें ये लिखा हुआ है और सारे लोगों का नाम है। इसमें ये नाम मैं आपको एक एक दिखा सकता हूँ। ये अमनदीप सोनी जो हैं कांग्रेस के महामंत्री हैं, ये पार्षद के पति हैं प्रेमचंद साहू जी, और ये जो हमारे जीनत परवीन जी हैं, ये सारे जो जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे हैं। अब आप इनमें इनकी त्रुटियाँ देखिए कि इन्होंने किस तरह से इसमें काम किया है। NSUI के अध्यक्ष हैं रवि सिंह, उनका 2 वार्डों में नाम दिए हैं सचिव, दो दो जगहों पर। ये भ्रष्टाचार करने का इन्होंने नया एक लिया है, और राजीव क्लब योजना को इन्होंने टोटल कांग्रेस क्लब कर लिया है, और वैशाली नगर निगम को मैं कहता हूँ इन्होंने अघोषित कांग्रेस कार्यालय बना लिया है, और अपनी मर्जी से सिर्फ कांग्रेस के लोगों के लिए और कांग्रेस के ही सदस्य और जितने भी इनके पदाधिकारी हैं उनका नाम दिया गया है समितियों में, और वही लोग इसमें हैं जिनसे उनको लाभ मिले, उनको शासन के पैसे का दुरुपयोग कर सके। नुकसान भाजपा को नहीं, नुकसान जनता को। हमारे वार्ड के लोग हैं जो खेल प्रेमी हैं, जो ये जिस मकसद से ये निदान योजना लाई गई है वो मकसद पूरा होना चाहिए। वो कांग्रेस का पदाधिकारी है इसलिए उसे पैसा मिले ये जरूरी नहीं। आप वार्ड के जो खेल के प्रति जो लोग जागरूक है उनमें एक समिति आप इसमें से कोई भी नहीं है जो खेल के लिए, कोई समर्पित नहीं है खेल के लिए, ना ही कोई इसमें खिलाड़ी है। सारे के सारे जितने भी अध्यक्ष सचिव हैं वो सारे के सारे कांग्रेस पदाधिकारी हैं। भाजपा पार्षदों के धरना प्रदर्शन को लेकर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव अमनदीप सोढ़ी और पूर्व एल्डरमैन प्रेमचंद साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले सभी को मैं नमस्कार कहना चाहूंगा। मैं अमनदीप सोढ़ी, जिला सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई। मैं भाजपा पार्षदों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि जो परसों इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था नगर निगम में, वो युवा मितान क्लब को लेके इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। ये राज्य सरकार की योजना है युवा मितान क्लब योजना, हम सभी का स्वागत करते हैं इसमें। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगठन वाले लोग ही आएंगे या पार्षद पति ही आएगा या सिर्फ कांग्रेस के लोग ही आएंगे। हमने इसमें सभी को इन्वॉल्व करके सभी को इसमें रखा है, और मैं भाजपा पार्षदों से ये कहना चाहूँगा कि गलत अफवाह फैला के पब्लिक को गुमराह ना करें, जो सच्चाई है उसको सामने लेके आए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है राज्य शासन सरकार विदेश सरकार के द्वारा एक योजना लेके आया गया है राजीव युवा मितान क्लब। इसके अंतर्गत सभी वर्ग 18 से लेकर 40 वर्ष तक सभी युवाओं और महिलाओं को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं राजीव युवा मितान क्लब। परसों ही एक भाजपा प्रत्याशियों द्वारा एक वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ युवा मितान के खिलाफ। तो मैं ये चाहूँगा, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़ के मिलके हम लोग काम करें। जो मनसा आप लोग बनाए जा रहे हैं ये टोटल गलत है, और आपको बताना चाहूँगा सभी वार्ड में माननीय मंत्री जी, हमारे विधायक माननीय श्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा सभी वार्ड में 100 करोड़ के लगभग कार्य हो चुका है। अगर आप लोग इसके बारे में भी आप कमेंट कर रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि सभी वार्डों में विकास कार्य हुआ है, अभी फिर होने का है। तो आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा राजीव युवा मितान क्लब ये कांग्रेस का नहीं सभी वर्गों का है। आप लोग जो बरगला रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन ये चीज़ ना करे, इसमें सभी स्वागत है, सभी आमंत्रित है, और ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, ये सबके लिए आमंत्रित है। राज्य शासन सभी वर्गों को सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल के लिए यह योजना लागू किया गया है। सभी वार्ड में सभी सादर आमंत्रित है। मैं प्रेमचंद साहू, पूर्व एल्डरमैन नगर पालिका निगम। बहरहाल भाजपा पार्षदों ने समिति के पुनर्गठन के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बातें कही हैं, साथ ही नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त से इस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
हृदय रोगियों के लिए अब चिंता की घड़ी हुई समाप्त। जी हाँ, आपके अपने शहर दुर्ग में आ चुका है द हार्ट बीट हेल्थ केयर, जहाँ उपलब्ध है एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा विशेषज्ञों की अनुभवी टीम, जो बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना दवाई, स्पेसिफाइड कार्डियक डाइट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, साथ ही मध्य भारत अत्याधुनिक ईसीपी की सहायता से हृदय रोगियों का संपूर्ण इलाज द हार्ट बीट हेल्थ केयर ऐसे रोगियों के लिए वरदान साबित होगा, जो भविष्य में हृदय घात से बचना चाहते हो, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज मिला हो, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई हो, या फिर जो सर्जरी न कराना चाहते हो, या फिर जिन्हें सर्जरी करा लेने के बाद भी समस्याएं बनी हुई हो। तो ध्यान रखें, हृदय घात के बाद अधिकतर मरीजों की हृदय पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ईईसीपी की सहायता से संभव है। तो देर किस बात की, आपको भी रखना है अगर अपने दिल को स्वस्थ, तो आज ही विजिट करें हमारा पता, हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, श्री मालू मेडिसाइन सेंटर, नहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। हमसे संपर्क करें और बेहतर लाभ उठाएं। 9893905922 9827609192 7000830 6094 लैंडलाइन नंबर 7788421767। पल्स हॉस्पिटल, आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध। उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता, पल्स हॉस्पिटल, 2/4 नेहरू नगर, पश्चिम, भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 07884014141 07883590112 मोबाइल नंबर 9300171767। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, महावारी, गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता, डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड,
प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 777-30-777-111-777-30-777-222। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग पर बने मकान हटवाने सहित दुर्ग नायब तहसीलदार को निलंबित किए जाने की मांग को लेकर ग्राम हरोदा के कृषक ने 10 पॉइंट पर लिखित शिकायत कर जनदर्शन में दुर्ग कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनदर्शन में यूं तो बहुत से आवेदन पहुंचे, लेकिन एक आवेदन ने जनदर्शन में मौजूद अधिकारियों को सख्ते में डाल दिया। दरअसल यह आवेदन दुर्ग जिले के ग्राम हनोदा के किसान रविन्द्र कुमार सिंह ने दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी 6 एकड़ किसानी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर्ताओं के द्वारा सड़क निर्माण किए जाने की शिकायत की और इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार सत्येंद्र शुक्ल की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए निलंबन की कार्रवाई किए जाने की मांग की। गौरतलब है कि ग्राम हनोदा के कृषक व शिक्षक रविंद्र कुमार सिंह विगत कई वर्षों से अपनी कृषि भूमि पर भू माफियाओं के द्वारा खेती की जमीन पर कब्जा किए जाने पर कार्यवाही की मांग को लेकर लगातार ज्ञापन और पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। वहीं रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि साजिश के तहत मेरी कृषक भूमि को 2009 में बलपूर्वक अवैध कब्जा कर सड़क बना दिया गया, जिसके बाद माननीय न्यायालय के न्याय के बाद 5 वर्षों बाद मुझे मेरी जमीन पर कब्जा दिलाया गया। वहीं रविंद्र कुमार सिंह ने दुर्ग नायब तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी स्थितियों की जानकारी होते हुए भी दुर्ग नायब तहसीलदार सत्येंद्र शुक्ल द्वारा मेरे निजी कृषि वादग्रस्त भूमि पर समूह बनाकर उनके हितों का ध्यान रखकर इस मामले में हस्तक्षेप कर माननीय जिला न्यायालय की अवमानना की, जिसकी लिखित शिकायत रविंद्र कुमार सिंह ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा को जन दर्शन में ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में पीड़ित कृषक ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। हनोदा में मेरी कृषि भूमि है और कृषि भूमि पर इन्होंने बलात् कब्जा करके रोड बनाए और पीछे 150 प्लाट बेच दिए लोगों को और धोखा देकर के बेचे हैं। और जब वो प्लाट हटा है तो ये हालत हो गया है कि जब अवैध प्लाटिंग के ऊपर कलेक्टर महोदय कार्रवाई करने के लिए बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा लेटर में 16/9/2021 को कलेक्टर महोदय ने आदेश निकाला है कि 61(k)(k)(g) में अपराध पंजीबद्ध किया जाए। जिलाधीश के आदेश को अवहेलना करके आज तक अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया, जिससे जिलाधीश को जवाब नहीं दे पाया। मैंने बोला सर इस तरह की घटना घटी है और नायब तहसीलदार तो जो जिला न्यायालय अतिरिक्त ADJ कोर्ट के आदेश को अवमानना करते हुए और नया आदेश निकाल रहे हैं, जबकि जिला तहसीलदार खुद एक उसमें पक्षकार है। ऐसी स्थिति में क्या बोला जाए कि तहसीलदार न्यायालय को ऊपर सुपरसेट कर रहा है, तहसीलदार जिलाधिकारी के आदेश को सुपरसेट कर दे रहा है, कुछ नहीं मान रहा है, किस दबाव में कर रहा है, किस लालच में कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर महोदय से बात किया है कि उसको निलंबित किया जाए, निलंबित करके जांच किया जाए तहसीलदार महोदय का, और तहसीलदार महोदय किस अधिकार से वो रास्ता देने का दे रहा है, जबकि रास्ता ADJ कोर्ट रास्ता जिलाधिकारी लिखा हुआ है कि 760 यानी मेरे खसरे में नक्शा रास्ता बना हुआ है, उसके बाद भी धोखे से वो प्लाट बेच रहे हैं। अब प्लाटिंग वाले को अपराध पंजीबद्ध किया जाए, जो अवैध प्लाटिंग करता है मनीष मिश्रा, अशोक साहू, इनको गिरफ्तार किया जाए और तहसीलदार को निलंबित किया जाए। मैंने शॉर्ट में ये मांग रखा है और ये मांग हो जाने पर वहाँ की स्थिति खराब, लगातार अवैध प्लाटिंग हो रहा है, पूरे कृषि भूमि नष्ट हो रहा है, शासन को होश तक नहीं है कि अवैध प्लाटिंग को रोका जाए करके। मंत्री महोदय से मैंने बात किया था तो बोले थे कि हम अवैध प्लाटिंग रोकेंगे करके, पेपर में भी आया था, न्यूज़ में भी आया था, लेकिन आपने बोलना अलग होता है करना अलग होता है। मैंने 1 साल से अवैध प्लाटिंग का लगातार दिया जा रहा हूँ, आप अवैध प्लाटिंग को रोक नहीं रहे, अवैध प्लाटिंग वाले को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, अवैध प्लाटिंग वाले को अत्याचार करने के लिए खुला छोड़ दिया, सांड की तरह अत्याचार कर रहे हैं। मैं धान नहीं बो पा रहा हूँ, पिछले साल मेरा बारी तोड़ दिया था सबके सब उठा करके, और ऊपर से धमकी देते हैं अलग से, मारपीट अलग से करते हैं, बाड़ी अलग से नहीं करते, इस बार मैं धान नहीं बो पा रहा हूँ, मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान होगा, कौन देगा। अभी कलेक्टर ने आपको क्या किया? कलेक्टर महोदय ने बोला है सत्येंद्र शुक्ल, मैं तो नाम ले रहा हूँ ना, मैं ऑन माइक में बोल रहा हूँ नाम की, सत्येंद्र शुक्ल तहसीलदार ने न्यायालय की, न्यायालय मैंने लिख करके दिया कलेक्टर महोदय को, न्यायालय के केस का अवमानना किया उसने यहाँ से,
सत्येंद्र शुक्ल नाम बता रहा हूं मैं, और उसको निलंबित करने की मांग किया हूं। कैसे सत्येंद्र शुक्ल दे सकता है रास्ता? यह कोई पहला मामला नहीं है जहां किसी जिम्मेदार पद पर पदस्थ अधिकारी पर इस तरह के संदिग्धता के आरोप लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वही सावन के इस पावन पर्व के अवसर पर पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे भगवान भोलेनाथ के प्राचीन शिव मंदिर देव बलोदा पहुंचकर जलाभिषेक करते नजर आए। तत्पश्चात सिरसा गेट गायत्री मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण किया गया। इस अवसर पर राम जन्म उत्सव समिति के सदस्यों सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिरसा गेट पहुंचने पर प्रेम प्रकाश पांडे का भव्य स्वागत पूर्व महापौर चंद्रकांता मांडले जी, कैबिन पार्षद नंदिनी जांगड़े, ललित यादव सहित अन्य भाजपा नेताओं द्वारा किया गया। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर ए नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजी स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, एमजी स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क यहाँ पर ही, टीचर सारे होमवर्क, इवन एग्जाम प्रिपरेशन सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं पर कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एम जी स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एम जी स्कूल न्यू आर ए नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट ना हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजी स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टेरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। स्वीट होम अवे फ्रॉम होम, पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590।
बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये शुरू करें खबरें। नगर निगम दुर्ग का तीसरे दिन भी काम काज ठप रहा। पांच दिवसीय हड़ताल को लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, निराश्रित पेंशन, प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य सुविधा व मरम्मत कार्य हो रहे हैं प्रभावित। नगर पालिक निगम दुर्ग के कर्मचारी और अधिकारी ने बुधवार को निगम मुख्य कार्यालय में एकत्र होकर नारेबाजी की। राज्य सरकार के अड़ियल रवैये के तहत 25 जुलाई से 29 जुलाई तक अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में अधिकारी कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर हैं। काम बंद हड़ताल के कारण नगर निगम दुर्ग की जनता के मूलभूत सुविधाएं, सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसे कार्यों के कार्य बंद पड़े हैं। आम नागरिक नगर निगम दुर्ग में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि जैसे कार्यों के लिए निगम कार्यालय पहुँच रहे हैं, परंतु नगर निगम दुर्ग के समस्त कार्यालय बंद होने के कारण उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं। गौरतलब है कि अपनी मांगों को लेकर पांच दिवसीय आंदोलन के तीसरे दिन दुर्ग नगर निगम में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इस अवसर पर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिव शर्मा, महामंत्री अनिल सिंह व दुर्गेश गुप्ता सहित कर्मचारी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से एक स्वर में बताया कि राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने बताया, राज्य सरकार के द्वारा मंत्रीगण, विधायकों का मानदेय और भत्ता में बढ़ोतरी कर विधानसभा के पहले ही सत्र में उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश के मुखिया अपने मंत्री और विधायकों को भत्ता एवं अन्य सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं, परंतु कर्मचारियों को केंद्र के समान 34% डीए एवं गृह भाड़ा भत्ता देने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। हमारी मांग जायज है। हम अपना अधिकार मांग कर रहेंगे। मौसम की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो डीए हम मांग कर रहे हैं वो हमको दे दिया जाए तो उसका मतलब है वो चुनावी ये सब नहीं है कि चुनाव आएगा तो डीए देंगे और हम कर्मचारी खुश हो जाएंगे। ये सरकार स्पष्ट जान ले कि दे तिथि से ही हमको महंगाई भत्ता चाहिए, एचआर चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले सभी वर्ग के शिक्षकों ने दुर्ग के मानस भवन में महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर प्रदर्शन व रैली निकालकर जताया अपना आक्रोश। छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा की जा रही प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन भी आंदोलन की राह पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिन्होंने अपने आंदोलन के तीसरे दिन मानस भवन के प्रांगण में हल्ला बोल प्रदर्शन किया, जिसमें दुर्ग जिले के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर गृह भाड़ा भत्ता एवं डीए की मांग की। इस मौके पर टीचर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य कर्मचारी को तीन अलग अलग प्रकार के डीए प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए केंद्र के समान सभी को डीए व महंगाई भत्ता देने की मांग की है। वहीं आंदोलन के दौरान टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने यह भी साफ कर दिया कि शासन द्वारा अगर उनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो वे आंदोलन के दौरान स्कूली बच्चों के शिक्षा के हुए नुकसान को भरने अपना भरसक प्रयास करेंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पढ़ाई अभी कुछ दिनों से प्रभावित हो रही है। हमने अपनी मांगे, जो जायज हमारी मांगे हैं, उनको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल 25 तारीख से प्रारंभ किया है। दुर्ग जिले में ये हड़ताल प्रारंभ हो चुका है। दुर्ग जिले के तीनों विकास खंड में लगभग 100% बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में जब सरकार हमारी मांग को पूरी कर देगी तो हम ईमानदारी पूर्वक जैसे आज तक के बच्चों का भला करते आए हैं उसी रूप में आगे भी बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ बनाएंगे। अभी वर्तमान में हम लोग 25 तारीख से जो हड़ताल कर रहे हैं उसमें हमारी मुख्य मांगे दो है। एक तो 34% दिए और एचआर बढ़ाने के लिए है। जो हम महिलाओं को घर चलाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। कोई भी सामान जिसमें जीएसटी लगाकर और कई स्तर पर उसमें जीएसटी लिया जाता है, जिसके कारण हमको बहुत तकलीफ होती है। जितनी हमारी तनख्वाह है उतने में हमारा घर चलाना आसान नहीं है, जबकि हम दोनों मिलकर कमा रहे हैं फिर भी आसानी से हमारा घर नहीं चल पा रहा है। इससे हमको आवश्यकता है कि हमको 34% डीए दिया जाए और हमारी मांग को पूरा किया जाए। और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे और ये सरकार से अपनी मांग पूरी करवा कर ही हम वापस अपने काम पर वापस। जो हम शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों का आंदोलन पूरे प्रदेश में 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है और ये आंदोलन निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व में किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आप सबको पता है कि जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ प्रदेश में भी भारत सरकार ने पूरे अपने जितने कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, उनको 34% महंगाई भत्ता दे चुके हैं।
साथ ही साथ पूरे देश के लगभग सभी राज्य अपने कर्मचारियों को 31% से 34% महंगाई भत्ता दे रहे हैं। साथ ही साथ इसी छत्तीसगढ़ में चार प्रकार के डीए दिया जा रहा है, एक पेंशनरों को 17%, हम शासकीय कर्मचारियों को 22% और अखिल भारतीय केडर जो हमारे राजस्व से उनको वेतन मिलता है ऐसे कर्मचारियों को 31% और बिजली कर्मचारियों को 34%। तो हम शासकीय कर्मचारियों का एक ही मांग है कि पूरे छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जाए, साथ ही साथ सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के लिए केंद्र सरकार की तरह 34% डीए की मांग गले की हड्डी बनता साबित हो रहा है। देखना होगा कि सरकारी कर्मचारियों की इन मांगों को प्रदेश सरकार किस तरह से पूरा कर पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। देश में दिल के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनके इलाज के लिए कई तरह के तकनीक मौजूद हैं। पिछले 50 सालों में हृदय रोग के इलाज में काफी बदलाव आया है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर शेखर ताम्रकार से, जो हृदय रोग के इलाज में ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे ईईसीपी पद्धति से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। इस पद्धति में सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती और मात्र 40 दिनों के इलाज से हृदय रोगियों को लगभग पूरा आराम मिल जाता है। आइए देखें एक मुलाकात कार्यक्रम में डॉक्टर शेखर ताम्रकार से खास बातचीत, जो दुर्ग पद्मनाभपुर स्थित हार्टबीट हेल्थ केयर सेंटर में इस पद्धति से हृदय रोगियों को एक नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश एक मुलाकात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल हृदय इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मनुष्य का सबसे ज्यादा अगर मजबूत और जरूरतमंद अंग कहलाता है तो वो है हृदय, दिल। दिल के भरोसे ही इंसान की सांसें चलती है और वो जीवित रहता है और जीवित होने का प्रमाण भी वो देता है अच्छे कार्य करके। तो हम तो ये जानना चाहेंगे आज कि हृदय रोग संबंधी रोग क्या है और हृदय जो हमारे शरीर पर कार्य करता है वो किस तरह करता है। इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शेखर ताम्रकर को। जी हाँ, ये BMS हैं और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अपनी सेवाएं इन दिनों द हार्ट बीट हेल्थ केयर में दे रहे हैं, जो कि पद्मनाभपुर में संचालित होता है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी फिलहाल देश में दिन प्रतिदिन हृदय रोगियों की तादाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा ये बताता है कि विश्व में होने वाली कुल मौतों में 30% मौतें केवल हृदय रोग से होती है। इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए आपको आमंत्रित किए हैं, तो इस पर जरा प्रकाश डालेंगे। जी मैम, देखिए हृदय रोग कहने का मतलब होता है, हृदय में बहुत सारी ऐसे रोगी होती है, लेकिन अगर इसमें हम हृदय रोग में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली हृदय रोग है वो है हार्ट ब्लॉकेज, वो हार्ट फेलियर। अगर इसे मैं आसान भाषा में बोलना चाहूँ तो यदि हमारे पास 10 पेशेंट आते हैं उसमें से 8 पेशेंट जो होते हैं वो हार्ट ब्लॉकेज के और हार्ट फेलियर के होते हैं। बाकी जो 2 पेशेंट होते हैं, किसी को वॉल्व का इशू रहता है या फिर किसी को दिल में छेद एक बीमारी होती है जो जन्मजात होती है, यह सब बीमारियां होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हार्ट डिजीज में हार्ट फेलियर का ही होता है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक के प्रारंभिक लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक आने वाला है? हार्ट अटैक के जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वह मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सबसे सामान्य लक्षण जो दिखा जाता है वो होता है छाती में दर्द होना। छाती में दर्द होना लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और यह दर्द आपका रेडिएट करते हुए जॉ पे जाता है, लेफ्ट शोल्डर पे जाएगा या लेफ्ट हैंड पे जाएगा, ये एक सामान्य लक्षण होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कि सीढ़ी चढ़ने पे या दौड़ने पे हमारी सांस का फूलना, या फिर जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कहते हैं। इसके अलावा हमें एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि हमें डेथ फियर जिसको बोलते हैं कि अब मैं रहूं या ना रहूं, अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमको समझना चाहिए कि ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं उसको अत्यधिक पसीने का रिसाव होता है, उनका धड़कन जो है सामान्य से अधिक या कम हो जाता है, यह सब जो लक्षण होते हैं हृदय रोग के हार्ट अटैक के प्रारंभिक लक्षण माने जाते हैं। क्या इस दौरान पर पैरालिसिस भी अटैक मार सकता है? जी, पैरालिसिस और हार्ट अटैक को हम समझें तो एक ही कॉसेस के बीमारी समझ सकते हैं। अगर वो आपका ब्लॉकेज हार्ट पे हुआ तो हम हार्ट अटैक बोल सकते हैं, अगर वही आपकी जो ब्लॉकेज आपकी ब्रेन पे हुई, ब्रेन की आर्टरी में हुई, तो उसे हम पैरालिसिस अटैक बोल सकते हैं। हार्ट अटैक का मेन कारण ब्लॉकेज होता है, तो ये ब्लॉकेज कैसे होता है?
ठीक है, ब्लॉकेज बनने का कारण होता है मैम हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो खान पान है, इसी पे अगर हम अच्छे से अपना फॉलो ना करें तो ये आगे चल के हार्ट अटैक का कारण बनती है। जैसे कि अगर हमारा लाइफ सेडेंट्री है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारे खान पान में हम अल्कोहल का सेवन ज़्यादा है, स्मोकिंग का कंजप्शन ज़्यादा है, या फिर ऑयली फूड या फिर पैक्ड फूड का हम कंजप्शन बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं, तो हमें ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो धीरे 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 आपका हार्ट अटैक का एक रूप ले लेती है। डॉक्टर साहब, आपने भी बताया कि हार्ट अटैक के लक्षण में एक जो चेस्ट में पेन होना बताया जी, तो कई बार ऐसा होता है कि गैस की वजह से भी पेन होता है पेशेंट को जी, और वो इसी उसमें रहता है कि उसको गैस का हो रहा है, वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि उसको अटैक है या फिर गैस का है, और वो एक बड़ी बीमारी को समझ जाए, मुसीबत को आमंत्रित कर देता है। तो कैसे पता चलेगा कि वो गैस का है या फिर उसको हार्ट अटैक आया है? जी मैम, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। अधिकतर हम इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया में अधिकांशता यही सोचते हैं कि अगर हमें छाती में दर्द हो रहा है तो ये गैस का ही होगा, लेकिन हर टाइम गैस का दर्द नहीं होता। इसको डिफरेंशिएट करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर आपको हार्ट का पेन है तो वह अराल मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड पे सेंट्रली अराइज होगा, लेकिन हर केस में लेफ्ट साइड पे ही अराइज हो ऐसा जरूरी नहीं है, सेंट्रली भी अराइज हो सकता है, कभी कभी राइट साइड ऑफ द चेस्ट भी अराइज हो सकता है। लेकिन इसका जो पेन होता है मैम, ये रेडिएटिंग रहता है, कहने का मतलब होता है एक जगह से स्टार्ट होगा, आपके वो ऊपर जाते हुए गले पे आएगा, जबड़े पे आएगा, साथ ही साथ वो आपके हाथ पे जाता है। लेकिन गैस के पेन में ऐसा नहीं होता, अगर गैस का पेन है तो वो आपका मूवमेंट करेगा लेकिन आपका ऐसा रेडिएटिंग करते हुए नहीं जाएगा। ये हुआ पहला डिफरेंस। दूसरा अगर डिफरेंस मैं बोलूं तो जो हार्ट का पेन होता है मैम, अगर आप एक्सर्शन मोड पे जाते हैं, कहने का मतलब भाई आप कुछ वर्क करते हैं, उस टाइम पे आपका जो चेस्ट का पेन रहेगा वो एलिवेट हो जाएगा या बढ़ जाएगा बहुत ही। लेकिन गैस का पेन होगा तो वो बढ़ेगा, लेकिन आपका हार्ट का पेन हो जैसे ही आप रेस्ट मोड पे जाओगे वो कम हो जाएगा, एक्सर्शन पे जाओगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन गैस का पेन रहा तो आप रेस्ट करो या फिर एक्सर्शन करो वो एज इट इज बना रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं गैस के पेन पे और हार्ट के पेन पे। जैसे मान लो ब्लॉकेज बन गया हो, हार्ट फेल हो रहा हो, तो इसका इलाज केवल क्या सर्जरी संभव है या फिर इसका इलाज अलग से किसी पद्धति से संभव है? जी बिल्कुल नहीं, आजकल हमारी जो मेडिकल साइंस है बहुत ही एडवांस हो चुकी है जी हाँ, लेकिन बहुत सारे केसेस में सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं ऐसा 100% नहीं कहूंगा कि सर्जरी इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जैसे कि ईईसीपी ट्रीटमेंट है, इसके साथ ही साथ हृदय पंचकर्म भी होता है। ये सब ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जिसपे सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, ये टोटली नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है हार्ट डिजीज के। अभी आप वर्तमान में पद्मनापुर में संचालित हार्ट केयर सेंटर में सेवाएं दे रहे हैं, तो वहाँ पर एक पद्धति का नाम सामने आया है, आप उस पद्धति से ट्रीटमेंट करते हैं, ईईसीपी पद्धति। ये क्या पद्धति है और इससे इलाज कैसे संभव है? ईईसीपी एक डिवाइस का नाम है जिसे हम ईईसीपी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ईईसीपी का फुल फॉर्म होता है मैम इनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। यह अगर बेसिकली हम देखें तो एंजियोजेनेसिस की पद्धति पे काम करता है। एंजियोजेनेसिस क्या होता है? छोटी छोटी नई नई आर्टरियों का डेवलपमेंट को ही हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो हार्ट अटैक होता है हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज आने की वजह से होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हार्ट की आर्टरी में अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गई तो आगे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। उसी को फुलफिल करने के लिए ईईसीपी वर्क करता है, जो छोटे छोटे नए नए आसपास की ब्लॉक्ड एरिया के आसपास के एरिया में छोटी छोटी आर्टरियों को डेवलपमेंट करता है, इसको ही हम ईईसीपी कहते हैं। तो कैसे पहचान किया जाएगा कि हार्ट अटैक आने के बाद में ब्लॉकेज है, या इस पद्धति के इस्तेमाल करने के बाद में या इसको अपनाने के बाद में जो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा पेशेंट? जी देखिए, ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है ईईसीपी, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें लाइफस्टाइल पे चेंजेस करने पड़ते हैं, डाइट पे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये बीमारी हुई है आपके खान पान की वजह से, आपके दिनचर्या में कुछ भी बदलाव या फिर संतुलित ना होने की वजह से यह बीमारी हुई है, इसी को ही हम ठीक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईईसीपी, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइट मॉडिफिकेशन पे। तो फिर डाइट के लिए आप न्यूट्रिशन की सलाह भी ऐसे पेशेंटों को देते हैं? जी मैम, हमारे द हार्टबीट हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर भावना जायसवाल मैम है जो आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वो कार्डियक डाइट पे ही वर्क करती हैं। जितने हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको कार्डियक डाइट अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड वेट और हाइट के हिसाब से उनका डाइट प्लान हमारे यहाँ सेटअप किया जाता है। ईसीपी पद्धति जो है उस पे आप ब्लॉकेज हार्ट का दूर होता है,
ब्रेन के ब्लॉकेज हटे उसके लिए पद्धति से भी काम नहीं करेगी? काम करेगी, डेफिनेटली वर्क करती है ये। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे हमारे इंडिया में सिटीज हैं जो हार्ट के अलावा जो पैरालिटिक अटैक वाले पेशेंट होते हैं उनका भी ट्रीटमेंट एसीपी से करते हैं और उनको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिले हैं। एंजियोग्राफी क्या कहलाता है और हार्ट के लिए क्या जरूरी है इसके लिए? जी, एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसी जाँच है जिसपे हम पता लगाते हैं कि आपकी हार्ट की मसल्स को सप्लाई होने वाली जो नसें रहती हैं उसमें कितने परसेंट की ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज कहाँ पे है, उसका नेचर कैसा है। इसको पता लगाने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। ये सर्जिकल भी होता है लेकिन आज के हम मॉडर्न डेज पे देखें तो नॉन सर्जिकल भी अवेलेबल है। अभी आपने एंजियोग्राफी के बारे में बताया तो सर्जिकल और नॉन सर्जिकल इसको आप क्लियर करें। देखिए मैम, एंजियोग्राफी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक सर्जिकल होता है एक नॉन सर्जिकल। सर्जिकल जो होता है जिसके लिए हमें पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में कम से कम एक से दो दिन के लिए। सर्जिकल के लिए भी नॉन सर्जिकल के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसका नॉर्मल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, उसका हार्ट रेट 65 से कम होना चाहिए, सीरम क्रिएटिनिन की जो लेवल होती है वो 1.2 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये जो पैरामीटर मैंने बताया नॉन सर्जिकल के लिए भी और सर्जिकल दोनों के लिए अप्लाई होती है। बट नॉन सर्जिकल जो एंजियोग्राफी होता है उसे हम बोलते हैं सिटी एंजियोग्राफी। हमारे दुर्ग भिलाई शहर में भी आ चुका है सिटी एंजियोग्राफी, लाइफ केयर में अवेलेबल है, सिर्फ डायग्नोसिस में अवेलेबल है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ज़्यादा कॉस्ट इस पर लगता नहीं है एज कम्पेयर टू सर्जिकल एंजियोग्राफी। आपको वैसे ही एक्यूरेसी मिलती है आप सिटी एंजियोग्राफी पे जितनी एक्यूरेसी आपकी सर्जिकल एंजियोग्राफी पे होती है। अगर मैं सिटी एंजियोग्राफी की बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये नॉन सर्जिकल है, नॉन इन्वेसिव है, इसमें किसी भी प्रकार की एडमिशन की आवश्यकता नहीं होती। बस आपको आवश्यकता अगर होती है तो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सीरम क्रिएटिनिन लेवल की नॉर्मल होने की, बस यही इसकी आवश्यकता है। अगर इसकी कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो पैन इंडिया पे 8,000 से 12,000 में हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है इंडिया के। अभी आपने एंजियोग्राफी के बारे में बताया तो एंजियोग्राफी में अगर मान लो किसी पेशेंट को डॉक्टर ने बोला कि एंजियोप्लास्टी कराएं या फिर बाईपास सर्जरी, तो क्या वो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी से बचाव कर सकता है ईसीपी पद्धति को अपना करके? जी देखिए, 100% हम बचा सकते हैं, सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसपे सर्जरी का सहारा हमको लेना ही पड़ता है। जैसे कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है इसकी मेन अगर हम ब्रांचेस देखें तो तीन मेन ब्रांचेस होते हैं, RCA, LAD, LCX और LAD, LCX जहाँ से ओरिजिन होती है उसकी एक मेन ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। अगर लेफ्ट मेन पे आपकी ब्लॉकेज है तो हम बोलेंगे पेशेंट को कि ECP आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बाईपास सर्जरी ही एकमात्र रास्ता रहता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई माइनर ब्लॉकेज है या फिर RCA, LAD पे या LCX पे कहीं पे मिड या डिजिटल प्रॉक्सिमल एरिया पे ब्लॉकेज है तो उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट अगर स्टेबल हो तब हमको अटैक आने के बाद एटलीस्ट 7 दिन तक उसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करके रखना जरूरी है, उसके बाद डेफिनेटली हम उसको सर्जरी से बचा सकते हैं। डॉक्टर शेखर, ऐसे कई पेशेंट हैं जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है लेकिन वो फुल सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि उनमें तकलीफें लगातार देखी जाती रही, उनका सांस फूलना या फिर उनकी जो पंपिंग है वो कम होना, तो ऐसे स्थिति में क्या वो आपकी पद्धति जो आप बता रहे हैं उसको अपना करके वो उससे निजात पा सकते हैं? जी मैम, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास जो हार्टबीट में पेशेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होते हैं आफ्टर एंजियोप्लास्टी और एंजियो बाईपास सर्जरी के बाद ही आते हैं, क्योंकि एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी तो उनका हो जाता है लेकिन इसके बाद जो कंडीशन निर्मित होती है जिसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। क्या होता है, जिस टाइम पे हम एंजियोप्लास्टी करें या बाईपास सर्जरी करते हैं तो हम उसको तुरंत ही उसके हार्ट के मसल्स को वैसे पुराने जैसे शक्ति प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल से कम हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हम अपने यहाँ कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो क्या ये मान सकते हैं जैसे हृदय रोग के जो रोगी हैं वो अक्सर अपने हृदय के रुकने यानी कभी भी ये डर सताता रहता है कि उनको कब अटैक आ जाए या कब उनमें डॉक्टर पहले इनको यानी वो रहने बचाव करने के लिए बोला रहता है, तो ऐसे पेशेंट क्या आपसे संपर्क करके ये पद्धति अपना सकते हैं कि ब्लॉकेज जब बता देगा डॉक्टर उसके बाद ही उनको अपनाना है? जी नहीं, अगर आपको देखिए अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट अटैक का हार्ट फेलियर का हिस्ट्री है तो आपको ज़्यादा अवेयर होना चाहिए।
आपको अपने सेहत का ख्याल एज कम्पेयर ज्यादा रखना चाहिए टू अदर पर्सन। और मैं बोलूंगा अगर किसी पेशेंट्स को डायबिटिक है, ओबेस है, उनका लाइफस्टाइल सही नहीं है, उनकी जो डेली दिनचर्या है, डेली जो रूटीन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उनको अपने लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ जो एसेंशियल पैरामीटर होते हैं, नेसेसरी पैरामीटर होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो पहले कराइए, उसके बाद आप हमारे यहाँ ट्रीटमेंट भी एनरोल कर सकते हैं। तो हृदय रोगी जो आपके यहाँ पर इस पद्धति से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनकी सिटिंग बेसिस होती है या फिर एक बार में ही उनको सेटिस्फाई कर दिया जाता है? जी नहीं मैम, ये एक्चुअल में देखिए आपका जो ब्लॉकेज बना है ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार में बना है, ब्लॉकेज बनने में आपको एक लंबा प्रोसीजर लगा है, ठीक है। और ब्लॉकेज जिस दिन पूरी तरह आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। तो ये बनने में जिस टाइप का प्रोसेस लगता है तो हमें भी ट्रीटमेंट करने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन अगर हम जो हमारा बेसिक ट्रीटमेंट का जो टाइम है वो है 35 to 40 आवर। 35 to 40 आवर कहने का मतलब होता है 1 आवर पर डे, लगभग 35 से 40 दिन का ट्रीटमेंट है ये, जिसपे हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, देखते हैं कि उनका क्लिनिकली डायग्नोसिस क्या बन रहा है, उनका क्लिनिकली क्या क्या कंप्लेंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करता है कि उसको कितने दिन का ट्रीटमेंट लगेगा, बट कम से कम 35 मैक्सिमम आप 40 डेज का ही ट्रीटमेंट होता है। तो उनको न्यूट्रिशन की सलाह मानना उनका अनिवार्य है? जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि जो ECP है, एंजियोप्लास्टी बाईपास, ये सपोर्टिव मेडिसिन है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करेंगे, अपने खान पान में चेंजेस नहीं करेंगे, तो आपको यह बीमारी फिर से होने की चांसेस संभावनाएं रहती है। चाहे आप ECP कराओ, चाहे एंजियोप्लास्टी कराओ, चाहे बाईपास कराओ, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना अति आवश्यक है। हमने इस एपिसोड की शुरुआत ही की थी हृदय दिल से, तो अब आप दर्शकों को बता दें कि हृदय संबंधी रोगों से कैसे बचें और हार्ट अटैक उनको ना हो, ऐसा क्या खान पान अपनाएं और अपनी दिनचर्या कैसे रखें, दर्शकों को बता दें। मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, यदि आप हृदय रोग से मुक्त होना चाहते हैं या फिर हृदय रोग से ग्रसित नहीं होना चाहते हैं, तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जिसे अपना कर या जिसे फॉलो कर आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने लिए 1 घंटे का समय निकालिए, क्योंकि 1 घंटे के समय में आप 35 to 40 मिनट्स आप वॉक कीजिए, एंड जो 25 to 30 मिनट्स बचेगा उस पर आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ये आपका 1 घंटे का समय हुआ जिसपे आपको माइंड रिलैक्सेशन होगा एवं आपकी एक फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि अगर आपका पैक्ड आइटम का इनटेक या फिर ईटिंग बहुत ही ज्यादा है तो पैक्ड आइटम खाना बंद कीजिए। रॉ मटेरियल जितने भी होते हैं, अनकुक्ड फूड होते हैं, जैसे कि चने हुए, मूंग हुए, ये सबको खाना आप ज्यादा अपने डाइट पे इसका इनटेक ज्यादा बढ़ाइए। साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग का सेवन करते हैं या फिर चिकन मटन का सेवन आपका ज्यादा है तो इसे कम करिए। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको तो रेस्ट्रिक्ट रहता है कि आपको चिकन मटन, अल्कोहल और स्मोकिंग का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको एसोसिएशन में कुछ बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है, थायराइड है और भी कुछ बीमारी है, तो उसको आपको कंट्रोल पर रखना जरूरी है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, शुगर, ये तो आपको कंट्रोल पर रखना जरूरी है, समय समय पर जाँच कराते रहिए। यही सब जो है फॉलो करिए और अपने हार्ट को स्वस्थ रखिए। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसे यूथ हैं जो बाहर रहकर स्टडी कर रहे हैं या उनको किसी काम से अपने ड्यूटी या फिर अपने जरूरी काम से बाहर रहना पड़ रहा है, ऐसे अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में वन डिब्बा खाना या फिर खान पान पे ध्यान नहीं देना, फिर जंक फूड खाना, इन सब में ध्यान देते हैं, ऐसे युवाओं को, ऐसे यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे सलाह देना चाहेंगे कि वो इन सबसे बचे? देखिए, आपने जो बोला बहुत ही आपका सही क्वेश्चन है, क्योंकि जो अभी हमारा दौर चल रहा है इसमें हमारी हार्ट डिसीज जो है यूथ को ज़्यादा हो रही है, ठीक है। एज कम्पेयर हम 10 साल पीछे जाते हैं तो ये बीमारी को हम सोचते थे कि 50 साल 60 साल बाद आने वाली बीमारी है, बट ऐसा सिनेरियो अब रहने गया है। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न जो मैं समझता हूँ, हरी वरी एंड करी, जो हमारी यूथ है उसको हर किसी काम के लिए हरी रहता है, हर किसी टारगेट को अचीव करने के लिए उनको वरी रहता है, और उनके जो डाइट पे रहता है करी रहता है। करी का मेहनत मतलब होता है कि जो भी उनकी खान पान है वो अच्छी नहीं है, उनकी दिनचर्या अच्छी नहीं है। तो आप हरी वरी करी को अगर सुधार लें तो मैं सोचता हूँ कि उनको किसी भी प्रकार की हृदय रोग नहीं होगी या संभावनाएं कम होगी। डॉक्टर शेखर, अभी आप द हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ECP पद्धति से इलाज संभव करा रहे हैं, कई लोग संतुष्ट होकर वहाँ से जा भी रहे हैं, तो दुर्ग, भिलाई और प्रदेशवासियों में ऐसे कई असंतुष्ट पेशेंट हैं,
जो कि हृदय रोग से ग्रसित हैं और तमाम तरह की बीमारियों से डर करके वो अपनी धड़कनें बढ़ा रहे हैं, या फिर समझ एक तरफ कह सकते हैं कि ब्लॉकेज उनमें हो रहा है, उनको पता नहीं चल पा रहा है। इस पद्धति को शॉर्ट में इनको बताकर उनकी शंकाएं दूर करें और इस यहाँ पर पहुँचने के लिए एक अपील करें। जी, मैं पद्धति बताने से पहले सबसे पहले जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनसे मैं एक गुजारिश यही करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपना डाइट चेंज करिए, अपना डेली रूटीन चेंज करिए, आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या यदि हो गई है, हृदय रोग से आप ग्रसित हो गए हैं, तो हम आपके लिए द हार्ट बीट सेंटर में उपलब्ध हैं, जहाँ ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है जिन्हें कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज मिली हो, या फिर सामान्य लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो फिर हार्ट में ब्लॉकेज मिला हो जिसकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई हो। पंपिंग कैपेसिटी जनरली उन पेशेंट की कम होती है जिनका एंजियोप्लास्टी बाईपास हो गया, या फिर जिसको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। हार्ट अटैक का तो ट्रीटमेंट जनरली कार्डियोलॉजिस्ट हमारे कर देते हैं, उसके बाद जो कंडीशन निर्मित होती है जिसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर, उसी को ही हम बोलते हैं हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाना, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाना, इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अगर किसी की हार्ट की साइज जिसे हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ सक्सेसफुली किया जाता है। अगर इन सब बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो हमारे यहाँ आइए और अपने क्वालिटी लाइफ का एंजॉय करिए। हमारा एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर श्री मालू मेडिसिन सेंटर, पद्मनाभपुर नहर रोड, दुर्ग। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आप आए, हृदय संबंधी रोगों के बारे में और ECP पद्धति के बारे में विस्तार से बताया। जी मैम, आपका ग्रैंड एशियन न्यूज़ का मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट मैं आपको थैंक कहना चाहूँगा, धन्यवाद। और मैं आपके दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि आप अपने दिल का ख्याल जरूर रखें। तो दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ थे डॉक्टर शेखर ताम्रकर, BMS प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। जी हाँ, ये द हार्ट बीट हेल्थ केयर दुर्ग पद्मनापुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ECP पद्धति से हार्ट के ब्लॉकेज, पंपिंग, ऐसे सभी रोगों के इलाज कर रहे हैं और कई लोगों को जीवन प्रदान कर रहे हैं। अगर आप सब इन रोगों से ग्रसित है और चाहते हैं कि इनसे आपको निजात मिले तो एक बार जरूर इस पद्धति को अपनाने द हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर जाएं। अगले एपिसोड में फिर हम एक नए चिकित्सक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब आपसे चाहेंगे इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।